वेलकम टू माय चैनल जय श्री कृष्ण राधे राधे एंड भारत माता की जय। सो गाइस आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा इंतजार था। एक्चुअली मैंने न्यूज़ नहीं देखी थी और मैंने डायरेक्टली अपने पापा को फ़ोन किया। मुझे पता था मेरे पापा तो टीवी के सामने ही बैठे होंगे और मतलब एक होता है ना सुबह से जो वोटिंग शो हो जाती है तो अप एंड डाउन चलता रहता है और थोड़ा थोड़ा मतलब जो एक रिज़ल्ट होता है वो आने से पहले ही पता चल जाता है। तो आज के दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। तो जैसे कि गाइज सबसे पहले तो मैं दिल से इतना ज़्यादा खुश हूँ और जिसकी एक कहते हैं ना विश्वास की जीत और संयम की जीत और अपनों मतलब एक सनातन धर्म की जीत और इस जीत से बहुत सारी जीत जुड़ी हुई हैं। एक ये सिर्फ कहते हैं ना एक मंत्री महामंत्री की जीत नहीं है, ये बहुत बड़ी जीत गए हैं मतलब। और इसी के लिए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ अपने देश की इस बड़ी सी जीत के लिए। और आप सब किस किस को बहुत खुशी हुई तो जिनको खुशी हुई मेरे को अपने तरीके से कमेंट कर सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आज मुझे वीडियो डालने का कोई मन नहीं था लेकिन हाँ आज मैं अपना कहते हैं ना अपनी इमोशंस को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। मैंने सोचा मैं बैठे बिठाए यहीं पर देखो बैठे कॉफ़ी पी रही थी मैं और बैठे बैठे ही मैंने एक वीडियो बना दी है आप सबके लिए। तो चलिए गाइस शिवांश को डांस क्लास छोड़ दिया है मैंने, अब घर का काम सारा हो गया। कॉफ़ी पीते पीते जो खुशी हो रही थी तो अभी जस्ट न्यूज़ से मिलने में आ ही रही है कि सब। और आज जिसका भी मैं सबसे ज़्यादा हंसी मुझे इसलिए आ रही थी सुबह से कि जिसका भी मैं स्टेटस चेक कर रही थी ना सब पे, आपको पता है ना बंधे देने के लिए तैयार हो जाओ और आपको पता है आएंगे तो वही मतलब किसी का भी स्टेटस देख रही थी ना तो सब पे यही था। तो बीजेपी की एक बहुत बड़ी जीत है और किस किस को खुशी हुई बीजेपी की जीत के लिए और कौन कौन चाहते थे ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना। मैं ये कोई मैं यहाँ पे राजनीति वाली कोई वैसी वीडियो बना रही, ये मेरी अपने जिस तरह से मतलब चाहत थी खुशी थी क्योंकि मैं इस जीत से सर्वप्रथम जो एक बहुत बड़ी चीज़ जुड़ी है वो है हमारा सनातन धर्म, हमारे हिंदुत्व धर्म जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। और उससे अगर ये जीत जाती है श्रेय जाती है हमारे योगी आदित्यनाथ क्योंकि हमारे सनातन हिंदू सनातन धर्म की जीत हुई है, इस वजह से मुझे ज़्यादा खुशी हुई है और इसी खुशी को मैं आपके साथ शेयर करें बयां करी है। आई होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक अगर एक अच्छी लगती है तो मेरी बात आप मेरी बात से शेयर मत करते लाइक तो बनता है लाइक कर दीजिएगा। और चलो बाय बाय, मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ अगले एक अच्छे से अपने ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग मैंने कोई शेयर नहीं किया था, मन नहीं था मेरा ब्लॉग का क्योंकि मेरी बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहा हूँ। चलिए ठीक है बाय बाय, मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉच। एंड गाइज वो वीडियो तो मैंने जैसे थी मतलब वैसे ही शूट कर लिया था और एक होती है नहीं खुशी होती है तो हम ये सब उसमें नहीं जाते कि हम किस तरीके से बैठे कहाँ हैं किस जिस सिचुएशन में, कहते हैं ना जो खुशी होती है फीलिंग्स होती है उनको शेयर बयां कर देना चाहिए। तो उसी सिचुएशन में आपसे मैंने बात कर ली थी। और हाँ गाइस एक चीज़ और मैं लास्ट आपसे कहना चाहती हूँ, जैसे कि आप सब जानते हैं मैं एक छोटी यूट्यूबर हूँ लेकिन मैं यूट्यूब पर काम करती हूँ, मेरा चैनल है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा किसी का फीलिंग्स को ठेस पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं लास्ट में एक बात कहना अपना ज़रूरी समझ रही थी कि मैं किसी की फीलिंग को बिल्कुल ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ। अगर किसी को बुरा लगे तो प्लीज़ से सॉरी। और ये मेरी अपनी खुशी थी और खुशी को व्यक्त करना आपके साथ शेयर करना ये मेरा फर्ज बनता है। तो बस मैंने अपना समझ के और ये अपनी खुशी को आपके साथ शेयर किया है अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए तो रियली सॉरी, और बुरा लगने की बात नहीं है, ये अपनी अपनी फीलिंग्स और अपने अपने विचारों की बात होती है कि हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें कौन पसंद है कौन नहीं है। तो ऑब्वियसली मेरे योगी आदित्यनाथ हैं, वो मेरे मोस्ट फेवरेट लीडर हैं। और मोदी जी के बारे में तो बस मैं क्या कहूँ, वो तो एक महापुरुष हैं हमारे लिए, अवतारी हैं सच में, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने देश के लिए काम, और ये सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या काम किए हैं क्या नहीं है, इसे हमें व्यक्त करने और कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, बस यही लास्ट में कहना चाहती थी। तो लास्ट में मुझे लग रहा था कि मैं बोल देना चाहती हूँ कि किसी को बुरा लग जाए किसी की फीलिंग को ठेस पहुँचे तो इस वजह से। तो ठीक है आप मेरी वीडियो को एंजॉय करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कि आप कौन कौन से आते हैं मेरे। बाय बाय।